हमेशा का ऐसे ही करता है, इसलिए मैंने तेरे को बोला था उसको गाड़ी देना नहीं चाहिए, हमेशा का उसका ऐसे ही नाटक है। देखा कि नहीं जो 125 का लॉन्च हुआ अभी तक, अभी हुआ भी हुआ। लॉन्च तो देखा नहीं मैंने, बात करें बारिश निकलता होगी बाय। इधर गया है और आधा घंटा हो गया, क्या पता आप किधर, अभी तो बोला था घर पे जा रहा है करके। अरे यार मेरे को जाना था, कॉल करके देखता हूँ उसको, एक बार कॉल करके देखता, फोन भी बंद आ रहा है यार उसका। ठीक है अरे यार बंद ही खा रहा है, कुछ और ऑप्शन नहीं है क्या? वो हमेशा का ऐसे ही करता है, इसलिए मैंने तेरे को बोला था उसको गाड़ी देना नहीं चाहिए, हमेशा का उसका ऐसे ही नाटक है। क्या करें यार, मेरे को भी बाहर जाना था, मेरे पास एक ऐप है और मैंने मेरे बाइक में एक ट्रैकर इंस्टॉल किया, तो देखते हैं उसमें क्या। बात कर रहा है बाइक में ट्रैकर, तो अभी देखते सच्ची में वो घर पे गया कि कहीं और घूमा। 1 किलोमीटर दूर पहुंच गया, अरे घर तो उसका सिर्फ 500 मीटर दूर है, 1-2 किलोमीटर दूर दिखा रहा है इसमें तो, इसलिए उसको हमेशा टाइम लगता था आने के लिए। इसका कुछ तो गड़बड़ है, अभी इसको आने दो, फिर हम देखते हैं, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। अरे भाई तू खाना खाने गया था कि बनाने गया था खाना, इतना टाइम लगता है कोई खाना खाने के लिए? भाई क्या बोलूँ, घर पे मम्मी थोड़ा काम नहीं देता मैं भाई, 1 घंटे से हम लोग खड़े हैं यार इधर, घर का लोकेशन देखा हम लोग ने, तू घर पे था ही नहीं। ओह नो, 1 घंटे से ट्रैकर दिखा इसको, ट्रैकर का लोकेशन दिखा जरा, हम लोग झूठ बोल रहे हैं, तू झूठ बोल रहा है? यस हम लोग कोई झूठ बोल रहे, क्या भाई सो हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। सो ये वीडियो देख के आपको पता चल ही गया होगा कि मैं कौन से प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ आपको इस वीडियो में। सो हाँ गाइज, मैं आपको बताने वाला हूँ एक GPS ट्रैकर के बारे में, जो आप कहीं पे भी इंस्टॉल कर सकते हो अपने मोटरसाइकिल में और कार में भी। सो सबसे पहले मैं आपको ये प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग दिखा रहा हूं, और आपको एक आइडिया आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट के साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है। मेन प्रोडक्ट के अलावा आपको इसके बॉक्स में मिल जाएगा चार्जिंग केबल और कुछ सिम ट्रेस, जो कि आपको यूज हो जाएंगे सिम कार्ड को इसके ट्रैकर में इंसर्ट करने के लिए। और 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको मिल जाएंगी ये बॉक्स के अंदर, वो है एक कवर और एक मैनुअल। सो गाइस आपको दोनों चीजें बिल्कुल नहीं घुमानी है, हालांकि ये प्रोडक्ट टोटली वाटरप्रूफ है एज क्लेम बाय द कंपनी, पर तो भी आपको इसका कवर नहीं घुमाना है, क्योंकि ये कवर में डालने के बाद बिल्कुल गंदा भी नहीं होगा और आपका काफी टाइम तक अच्छे दिखेगा भी, और आपको लुक्स का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। और सेकंड बात आती है इसके मैनुअल की। सो गाइस इसका मैनुअल आपको बिल्कुल भी नहीं घुमाना है, क्योंकि मैनुअल में आपको कमांड्स दी गई है, वो जैसे कि आप एक सिम कार्ड इंसर्ट करोगे ट्रैकर में, उसके बाद आपको अपने फ़ोन से वो जो सिम कार्ड वो ट्रैकर में जो इंस्टॉल किया है उसमें मैसेजेस करने हैं, कुछ कॉल करने हैं, और तभी जाके जो है आपका GPS और GPRS एक्टिवेट हो जाएगा वो ट्रैकर में, और उसके बाद ही आप ट्रैक कर पाओगे अपने डिवाइस को। सो आपको ये डिवाइस के ऊपर एक वाटरप्रूफ डोर जैसा कुछ मिल जाएगा, उसको ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि वहाँ पर आपको मिलता है एक चार्जिंग स्लॉट और सिम कार्ड का स्लॉट। और गाइज आपको ये डिवाइस के पीछे मिल जाएगा एक 10-डिजिट का नंबर, जो कि आपको इंसर्ट करना है इसके ऐप में, और उसके बाद पासवर्ड डालना है जो लिखा रहेगा आपके मैनुअल पे, और फिर आप ट्रैक कर पाओगे इस डिवाइस को। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको सिम कार्ड इंसर्ट करना है डिवाइस में। और ये डिवाइस का सबसे बेस्ट बात जो मुझे लगा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिम कार्ड इंसर्ट करने के बाद ही ये डिवाइस चालू होता है, तो कोई ऑन ऑफ का बटन नहीं है इसमें। आप देख सकते हैं कि सिम कार्ड इंसर्ट करने के बाद कैसे लाइट स्टार्ट हो गई थी वो डिवाइस में। कुछ इस तरह से वो कवर में डिवाइस डाल के आप अपने सीट के नीचे, जहाँ पे आप सारे पेपर्स और कुछ टूल किट वगैरह रखते हैं, वहाँ पे आप अपने GPS ट्रैकर को छुपा सकते हैं, ताकि किसी को मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आपने अपने मोटरसाइकिल में GPS ट्रैकर इंस्टॉल किया है।
इसके बाद में फिर आपको अपने फ़ोन से जो सिम कार्ड आपने उसमें डाला है वो सिम कार्ड पे कुछ मैसेजेस करने जो मैनुअल में लिखे होंगे, और उसके बाद टीके स्टार का जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आप इसमें लॉगिन करना है, जो नंबर जो 10 डिजिट का जो नंबर दिया हुआ था वो नंबर को एज अ आईडी यूज़ करके, और अपना जो पासवर्ड है जो आपको मैनुअल में मिल जाएगा वो डाल के आपको ऐप को लॉगिन करना है, और उसके बाद आप देख सकते हैं रियल टाइम ट्रैकिंग में आपको मिल जाएगा कि ये डिवाइस कहाँ पे है। आपको ये डिवाइस की स्पीड भी मालूम पड़ जाएगी, मतलब आपकी मोटरसाइकिल या आपकी कार कौन सी स्पीड पर जा रही है, कितने स्पीड पर जा रही है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप देख ही सकते हैं कि मेरी लोकेशन कहाँ पे है और वो डिवाइस की लोकेशन कहाँ पे है। सो थोड़ा दूर मेरा एक फ्रेंड लेके गया है, सो आप देख ही सकते हैं कि कैसा आपको एक नज़ारा मिल जाएगा, आपको कैसा व्यू आने वाला है। और ये जियो फेंस करके एक फीचर है, जियो फेंस मतलब मैं आपको समझा देता हूँ कि जियो फेंस क्या है। तो जियो फेंस आप ऐसा बोल सकते हो कि एक फेंस टाइप हो जाता है, अगर मैं एरिया सेट कर दूँ कि मेरे 1 किलोमीटर के रेडियस के बाहर अगर ये डिवाइस गया तो मुझे मैसेज आ जाएगा, मुझे नोटिफिकेशन आ जाएगा मेरे डिवाइस में, मेरे मोबाइल में, कि ये जो डिवाइस है वो 1 किलोमीटर के रेडियस के बाहर चला गया। उसके बाद आपको मिल जाता है अलार्म का फीचर, अलार्म के फीचर आप यूज़ कर सकते हो एज सच कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो डिवाइस की स्पीड अगर आपने सेट करके रखे कि 80 किलोमीटर पर आवर के आगे अगर वो डिवाइस जाएगा तो आपको तभी भी मैसेज आ जाएगा कि वो डिवाइस के 80 किलोमीटर की स्पीड पार करके चला रहा है। सो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है, वो आपको मिल जाएगी डिवाइस में। सो एक और सबसे पहले जो मेन बात है वो कि आपको कोई झंझट पालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये डिवाइस जो है कम्प्लीटली वायरलेस है। सिर्फ एक बार स्टार्टिंग में आपको 4-5 मैसेजेस करने पड़ेंगे आपके मोबाइल फ़ोन से ये डिवाइस को, और उसके बाद आपका जो डिवाइस सेट हो जाएगा। और इसका मेन जो और अट्रैक्टिव पॉइंट है वो है इसकी बैटरी लाइफ, आराम से 10-15 दिन तो ऐसे ही चल जाता है वो डिवाइस। मैंने अब तक ट्राई किया है, थोड़ा ट्राई किया तो अब तक उसकी बैटरी लेवल तो 100% ही बता रही है 2 दिन से। सो मुझे मालूम पड़ गया कि, और उसके मैनुअल में भी लिखा हुआ है, इसकी बैटरी आराम से 20 दिन तो चलनी ही चाहिए। सो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है आपको एक अफोर्डेबल प्राइस। अगर आपको ये प्रोडक्ट परचेस करना होगा तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके प्रोडक्ट को चेकआउट कर सकते हैं। सो यही था गाइस आज के इस वीडियो के लिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।